अस्सलाम वालेकुम बीबस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी मसालेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम गोभी लिया हुआ है, इसको हम पहले फ्राई कर लेते हैं। हम इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा सा 2 चम्मच का तेल डाला है मैंने। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं इसको। इसको हम हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डालूंगी हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। हल्दी से कलर इसका अच्छा आ जाता है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत ही जल्दी बनने वाला गोभी आलू की सब्ज़ी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये झटपट से बनेगा। हमने इसके अंदर प्याज नहीं लिया है, बगैर प्याज का बनाएंगे। ये देखिए हमारा फ्राई हो गया है। ये जो हमारे पास डंडा है, ये जो हमने डंडी रखे हुए थे, ये बाद में डालेंगे हम इसके अंदर। वो इसलिए ताकि हमारा ये पत्ते वगैरह सब जल ना जाए, इसको बिल्कुल लाइट फ्राई करेंगे हम। ये जल जाते हैं। बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको भी। ये देखिए हमारा फ्राई हो गया है। ये तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा हम इसके अंदर तेल और डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। हम इसको निकालेंगे आलू को ही फ्राई करके, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। और ये देखिए हमने गोभी फ्राई करके निकाल लिया है इस तरह से। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हमने हल्दी नहीं डाला है, इसमें जो हल्दी लगे हुए थे वो उसमें मिक्स हो गया बिल्कुल। अब इसे हम हटा लेते हैं। अब इसमें डालेंगे तेल। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। हम इसके अंदर डालेंगे ये मेथी के जो दाने होते हैं, ये हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। फिर हम इसको ढक कर रख देंगे जब तक ये ब्राउन हो जाएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम पर रखेंगे। और ये जो मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच लिया है मैंने। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। ये काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच है। ये है ज़ीरा, ये भी 1/2 चम्मच लिया है मैंने। ये धनिया है 3 से 4 चम्मच लिया है मैंने इसको। इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा डलता है। और ये हल्दी पाउडर हम इसके ऊपर ही डाल देंगे इसको इस तरह से। ये हमारा ब्राउन हो गया है। इसके अंदर डाल देंगे हम ये हींग है, ये 1/2 चम्मच लिया है मैंने हींग। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जो हमारे मसाले हैं। ये देखिए हमारा मसाला भून गया है, अच्छे से पक चुका है। ये तेल हमारा ऊपर आ गया बिल्कुल। इसमें हम डाल दूंगी ये गोभी। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें डालेंगे ये नमक। नमक का स्वाद अनुसार डालें इसके अंदर, तीखा भी आप अपने हिसाब से ही डालें। हमारा गोभी भी भुन चुका है। ये पहले हमने इसको फ्राई कर लिया था, इसमें हम डालेंगे ये आलू। देखिए मसाला कितना अच्छा बन गया है, ये कलर आ गया इसके ऊपर, एकदम भुन गया है बिल्कुल। अब ये हो गया, इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर। हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए ताकि हमारा ये अच्छे से पक जाए। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, इसको हम ढक के छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। देखिए हम इसको देख लेते हैं, 10 मिनट हो चुका है हमारा। ये टमाटर अभी हमारा सॉफ्ट नहीं हुआ है, इसको हम एक दफ़ा चला लेंगे ताकि हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला ना जल पाए। इसलिए हमें इसको बीच में 1-2 दफ़ा हिलाएंगे इसको। बहुत अच्छा बन गया है ये।
बस 2 मिनट और रखेंगे इसको, फिर हमारी सब्जी तैयार। ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा बन गया है, ये मसालेदार एकदम चटपटा। ये देखिए गैस बंद कर देते हैं, एकदम ही तैयार हो चुका है ये। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए एकदम मसालेदार बना है ये, एकदम ही मसालेदार है ये, चटपटा बिल्कुल टेस्टी। ये बहुत ही अच्छा बनता है, इसको आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है, कितना अच्छा कितना टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा बना है ये। इसी तरह से आप बनाएं, सभी को खिलाएं, इसको चावल के साथ, रोटी और पराठे के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा बनता है ये, बहुत टेस्टफुल बना है, मसालेदार। बैगन प्याज का बनाया है मैंने, बाकी सारे मसाले डाले हैं मैंने, बहुत ही अच्छा बना है ये। तो इस तरह से आप भी बनाएं, सभी को खिलाएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।